नमस्कार भाई और बहनों, मैं वैद्य अंकुर कुमार तनवर हूँ। आज का हमारा चर्चा का विषय है ब्लड में बढ़ता क्रिएटिनिन। अब हम बात करें क्रिएटिनिन है क्या। क्रिएटिनिन एक व्यर्थ पदार्थ है जो हमारी मांसपेशियों में बनता है। कब? जब हमारी मांसपेशियों के संकुचन या प्रसारण में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, उस समय ये प्रोड्यूस होता है। इसकी एक सामान्य मात्रा हमारी बॉडी में नियमित रूप से रहती है, जो पुरुषों में 0.7 टू 1.6 mg पर डेसीलीटर होती है और महिलाओं में 0.6 टू 1.1 mg पर डेसीलीटर होती है। महिलाओं में ये मात्रा पुरुषों के मुकाबले कम होती है, क्योंकि उनमें मांसपेशी का साइज कम होता है, उनके शरीर का आकार कम होता है। अब कौन कौन से आहार जो क्रिएटिनिन को बढ़ाते हैं? जब हम हाई प्रोटीन डाइट का यूज करते हैं तो हमारे शरीर में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है। रेड मीट का प्रयोग करते हैं तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है। किसी किडनी डिसीज, क्योंकि हमारे शरीर में जो क्रिएटिनिन बन रहा है उसे शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी का होता है। अगर किडनी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है तो क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में बढ़ रहा है। उसकी कोई भी बीमारी होगी तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा हमारी बॉडी में। अगर हम सोयायुक्त आहार का ज़्यादा सेवन करते हैं तो क्रिएटिनिन बढ़ता है। अधिक व्यायाम का सेवन करते हैं, ज़्यादा मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशी का विघटन होता है, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन अधिक मात्रा में बनता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम कोल्ड ड्रिंक्स, डिब्बा बंद फूड्स, इन सब का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि इनमें फास्फोरस पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है जो किडनी पे हार्मफुल इफेक्ट डालती है। हम अपने खाने पीने में आटा ब्रेड का कम प्रयोग करें, ब्राउन राइस का कम प्रयोग करें, क्योंकि ये सब हाई फास्फोरस, हाई प्रोटीन डाइट और हाई पोटेशियम डाइट्स होती है, जिसकी वजह से सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है। अचार का कम प्रयोग करें, रेड मीट का कम प्रयोग करें, चुकंदर, आलू, टमाटर, सिट्रस फूड, इनका कम से कम प्रयोग करें, ताकि हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल कम रहे, ज़्यादा ना बढ़े। क्रिएटिनिन इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जिसके हमें पता चलेगा हमारे शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ रहा है? क्योंकि आजकल पेशेंट आते हैं रिपोर्ट्स लेके, सर हमारा क्रिएटिनिन बढ़ गया। उन्हें पता ही नहीं होता ये क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, कौन सी बीमारी की वजह से हुआ, मगर हर कोई उसको कम करना चाहता है, वो भी अननोन रीजन की वजह से। तो मांसपेशियों में ऐंठन, उल्टी होना, शरीर में सूजन होना, दर्द होना सीने में, घबराहट होना, ये सब सिम्टम है जो किडनी डिसीज या क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने पे हमें नजर आते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हम अपने दिनचर्या को, ऋतुचर्या को, आयुर्वेदिक डाइट्स को अपनाएं, ताकि हम इन सब से बच सकें।